मातरम मित्रों, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं आपका शुभचिंतक हरकेश चौहान। सिर के दर्द का अंत तुरंत भाग एक। इसके अंदर अब इसमें सिर के दर्द के चार पांच कारण होते हैं। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गैस बने पेट में तो भी हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा तेजाब बने पेट में, एसिड जिसे बोलते हैं, तो भी हो सकता है। अगर आपको सर्वाइकल है तो भी हो सकता है। आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है तो भी हो सकता है। आपको नींद कम आती है तो भी हो सकता है। आपका बीपी लो और हाई हो तो भी हो सकता है। तो चार पांच कारण हो सकते हैं, और चिंता भी, मनोरोग भी इसका कारण होता है। पित्त की थैली में अगर पथरी हो तो भी हो सकता है। तो अभी जो मैं कारण आपका जो निवारण बता रहा हूँ, इन सभी कारणों का एकमात्र उपचार ये सबसे बेस्ट है। इसके अलावा बहुत से हैं, मैं आपको बारी बारी से बताता जाऊँगा। इसमें आप क्या करेंगे, आपका देखिए, जैसे मैंने आपके दोनों हाथ के अंगूठे मैंने नीले कर रखे हैं, यहाँ से आप नीला रंग लगा लीजिए। अगर आपके पास चुंबक की चिकित्सा, तब इस तरह चुंबक लगाएंगे। बीच वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको पीला और बाहर से सफ़ेद इस तरह से लगा लेंगे। अगर ये ना है तो मेथी चिपकाइए आप किसी भी टेप के ऊपर और ऐसे बांध लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इस नस को आपने, इसका तरीका क्या है, ऐसे नापोगे यहाँ पे जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द आए, इस नस को आपने दबा के रखना है कम से कम 10 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड, और फिर ढीला छोड़ना है। ये प्रक्रिया आपने करना है, और फिर हल्की हल्के हाथ से मालिश करनी है। ऐसे आपने जो पैर हैं, यहाँ देखो मैंने नीला रंग लगा रखा है, यहाँ पे भी सेम आप ऐसे करेंगे, कम से कम 10 सेकंड, ज़्यादा 30 सेकंड दबा करके फिर छोड़ोगे। ये करीबन आपको 10-10 बार करना है, और फिर बाद में हल्की हल्की मालिश कर दोगे। ऐसी आपका इधर यहाँ पे आ जाता है भावरे, बिल्कुल बीचों बीच आईब्रो पे यहाँ टाइट प्रेशर कर लो, या फिर जो कपड़े सुखाने वाली चिमटी होती क्लिप, वो लगा दीजिए। उसके बाद वही 10 से 20 सेकंड दबा के रखिए, फिर ढीला छोड़िए। जितना टाइट आप सहन कर सकते हो दबा के रखिए, छोड़िए। उसके बाद यहाँ पे आगे चक्कर, जहाँ लेडीज बिंदी लगाती, यहाँ पे प्रेशर करेंगे, आंखों के नीचे करोगे, यहाँ पे बिल्कुल कनपट्टी के पास, जहाँ हम खाना खाते तो यहाँ पे एक नस चलती हुई महसूस होती है, आप इसको दबाएंगे, प्लस यहाँ के कान के पीछे और यहाँ पे, और इस तरह से आप करेंगे तो आप देखोगे कि आपका सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। आपने करीबन 5-6 मिनट का योगा दिन में 3 दफ़े दोहराना है कम से कम, ज़्यादा कर लो तो बहुत अच्छी बात है। और रात को सोते टाइम समय आपको नाक के अंदर शुद्ध गाय का देसी घी लेना है, एक एक दो ड्रॉप पहले सीधे नाक में डालोगे, हल्का सा सहार लोगे, फिर उल्टे में हल्का सा कर लोगे, और आंखों के नीचे जस्ट यहाँ पे मालिश करोगे, माथे पे यहाँ पे मालिश करोगे, और हल्का सा इधर मालिश करोगे, और पैर के तलवे में भी आपको गाय के घी के द्वारा मसाज करनी है, और फिर सो जाना है। अगर आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। और कोशिश करना है आपको या तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके सोएं, या फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, तो आपका धीरे धीरे करके सिर का दर्द दूर होता चला जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।